कहने को सोशल मीडिया, खासतौर से फेसबुक जैसा मंच लोगों की अभिव्यक्ति का एक मजबूत जरिया है, लेकिन आजकल इसी फेसबुक पर लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने दायरे तक को भूल रहे हैं। यहां तक कि कई पोस्ट, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वीडियोस, आपत्तिजनक दायरे में आ जाती हैं और इसका बुरा असर फेसबुक की छवि पर भी पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक न्यूज फीड में साल 2018 में ही बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत खबरों में कमी होगी और लोगों की पोस्टों को वरीयता मिलेगी। जी हां, फेसबुक अपने यूजर्स के सोशल मीडिया पर बिताए वक्त को ज्यादा रोचक बनाने के लिए उन्हें दिखने वाले पोस्टों के संबंध में 2018 में कुछ समय बाद एक बदलाव कर रही है। कंपनी ने कहा कि इस बदलाव से ब्रांड्स, पेजेस और मीडिया कंपनियों के कम पोस्ट न्यूज फीड में दिखेंगे और लोगों के पोस्ट ज्यादा दिखने लगेंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस बाबत एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ये बदलाव लोगों को उनके करीबी लोगों से जोड़ने के लिए और तनाव और अकेलेपन से बचाने के लिए किया जा रहा है। जुकरबर्ग ने लिखा है, रिसर्च से पता चलता है कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करीबी लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। हम इससे ज्यादा जुड़ाव और कम अकेलापन महसूस कर सकते हैं और ये लंबे समय की खुशी और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इससे इतर कोई आर्टिकल पढ़ना या वीडियो देखना उनके मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होने के बाद भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है। इस बदलाव से ब्रांड्स, पेजों और मीडिया कंपनियों के कम पोस्ट न्यूज फीड में दिखेंगे और लोगों के पोस्ट ज्यादा दिखाई देंगे। न्यूज फीड में वीडियो कम दिखने से लोग फेसबुक पर अपना समय कम बिताएंगे। फेसबुक चाहता है कि जो लोग दोस्त हैं वो ज्यादा चैटिंग के जरिए और करीबी हो जाएं। गौरतलब है कि फेसबुक के मौजूदा हाल के चलते ही मार्क जुकरबर्ग दुनिया के चौथे सबसे धनी शख्स की पोजीशन खो चुके हैं। बहरहाल जुकरबर्ग की इस घोषणा से करीब $74 बिलियन का नुकसान होगा। यही नहीं, फेसबुक के जरिए न्यूज मीडिया वेबसाइट्स के ट्रैफिक में भी गिरावट का अनुमान है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।